मोहतरमा बंदूक साहिबा और यूनिफॉर्म साहब, अब वक्त आ गया है कि हम आप दोनों को कहीं और छुपाएं। अगर ये सबूत गलती से खालू अबू के हाथ लग गए तो उन्हें डराने का हमारा खेल खत्म हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। शहबाज अहमद, तूने हमसे हमारा कबीर अलग किया था ना, तूने हमेशा हमें सिर्फ आंसू दिए हैं, सिर्फ आंसू। तो तुझे कैसे लगा कि हम इन सबका सिला दिए बगैर सब कुछ भूल जाएंगे? नहीं 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 शहबाज अहमद, आप इन सबूतों के जरिए हम अपने सारे गमों का हिसाब चुकता करेंगे। रुखसार। कबीर। रुखसार। हाँ कबीर। अरे सारा, कहाँ चली गई थी तुम? स्कूल से लौटने में इतना वक्त क्यों लग गया? हम वो सलमा खाला से मिलने गए थे। खैर कोई बात नहीं, हमने बच्चों की देखभाल के लिए रजिया बेगम को काम पर रख लिया है, अब तुम जा सकती हो। क्या? जारा, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है। तुर्रम खान, ये घर तो लोगों को इस्लाम सिखाने और उसकी कदर सिखाने के लिए मशहूर है, लेकिन आज जश्न मनाए जा रहे हैं। तुम ना तो इस घर के लिए सही हो और ना हमारे मासूम बच्चों के लिए। हम तुम्हें इस काम से आजाद करते हैं। हमारे बिना रो रो कर पागल हो जाएंगे। या खुदा, ये कैसी बेबसी है। हम जाकर भी इस घर में नहीं रुक सकते और रुखसार के भरोसे हम बच्चे छोड़ नहीं सकते। करें भी तो क्या करें। तुम्हें पता है, हमने देखा है कि जिंदगी में ना हर चीज जाती है, पैसा, दोस्त, लोग, हम भी जाते, लेकिन तुम्हारे जाने का हम चाहता ही नहीं। पकड़ लेने से ना चीजें खत्म नहीं हो जाती। जाओ जाओ बाहर, जाओ, हमें कुछ नहीं सुना। जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं सुना। जाओ, कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी इसी गलती की वजह से ना हमारे अब्बा की जान पर बनाई। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज हमारे खानदान की इज्जत नीलाम हुई। कबीर, प्लीज कबीर, हमें हमारे बच्चों से अलग मत कर। लेकिन हम आज के बाद माना करते, आज के बाद हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे तुम्हारे खानदान की इज्जत पे कोई भी आ जाए। माना करते कबीर, प्लीज।
मुझे प्लीज समझ करो कबीर, प्लीज हमारी बात तो सुनो। तुम सारा तुम रो क्यों रही हो? हम एक बात बताओ, बार बार एक बात दोहराने से क्या फायदा? ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर ने तुम्हें मौका नहीं दिया? मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने ख्याल नहीं रखा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब रोजगार किसी और को मिल जाएगा। रजिया बेगम कल से आ रही है, बच्चों का ख्याल वही रखेंगे। रुखसार तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि वो औरत हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो औरत अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती, वो हमारे बच्चों को क्या संभालेगी? रुखसार क्या तुमने उसके नाखून नहीं देखे? वो खांसते हुए अपना हाथ भी मुंह पर नहीं रखती है। और तुम चाहते हो कि हम हमारे बच्चे उसे सौंप दें? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब रजिया हमारे घर आएगी, हम उसे सब कुछ सिखा देंगे, अपने घर के तौर तरीके सब कुछ। दरअसल हम तुम्हें बताना भूल गए हम यहाँ क्यों आए थे। हमने तुम्हारे कमरे में खाली बैग रखवा दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने, खाली बैग रखवाया तुमने। मगर जारा से कह देना कि उसे पैक करने की जरूरत नहीं। इस घर में रहने का एक मौका दिया जा रहा है तुम्हें। इस बार गलती मत करना। थैंक यू कबीर, थैंक यू। एक मौका बस। अल्लाह तुम जैसा दिल सबको दे कभी, पर क्या करें, हमें फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई तुम्हारे दिल की सादगी का गलत फायदा ना उठा दे। तुमने अच्छा किया सारा को माफ करके, लेकिन कबीर सारा ये नहीं समझेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रुखसार सबसे पहले माफी मांगो, सबसे पहले माफ कर दो। हम जानते सारा को हमारे घर के तौर तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए हमने उसे एक और मौका दिया है। और वैसे भी तुम रजिया को सब कुछ सिखाने वाली थी, तो सिखा दो जारा को, बड़ी बात क्या है? उन बच्चों की वजह से फिर वो जारा कबीर के करीब रह गई है। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जिन बच्चों का बहाना बना के जारा यहाँ रुकी है, उन्हीं का सहारा लेकर सारा का हौसला तोड़ना होगा। अबू, आपके लिए सूप। सूप? हमें सूप नहीं, सबूत चाहिए जो तुम्हारे कब्जे में। कहाँ है सबूत? अबू, दरअसल कबीर हमेशा हमारे साथ ही होता है, देखने का तो परेशानी हो सकती है। वो सही मौका मिलते ही हम आपको वो सबूत दे देंगे। आखिर कब तक हम इस डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक? बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो गया है, हम देख कर आते। अरे बच्चों, तुमने सलाम क्यों नहीं किया? सलाम क्यों नहीं करो? करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अगली बार सबसे कहना। अब सबसे बड़ा सवाल, स्कूल का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा रहा चाचू। बहुत खूब, बहुत खूब। और तुम्हारा भी दिन अच्छा गया? हाँ। और क्या चल रहा है? इधर आओ। चाचू पता है आज क्या हुआ स्कूल में? क्या हुआ जान? फिरदू के फेस के ऊपर पूरा हिजाब आ गया था, इसलिए वो टकरा कर गिर गई। फिरदू पिन से बहुत डरी हुई है चाचू, इसलिए हिजाब में पिन नहीं लगाना चाहती है। हमने इसलिए आज सुबह हिजाब में गांठ बांधी थी। हम ये नहीं कह रहे कि फिरदौस हिजाब ना बांधे, बस इतना कह रहे हैं कि एक बार सोचो, फिरदौस अलीशा की उम्र की हो जाएगी फिर हिजाब बांध सकती है ना, भी बहुत छोटी है हिजाब के लिए। सुनो, लगी तुम्हें? चलो, हम तुम लोग के लिए सैंडविचेस भिजवाएंगे। कमरे में जाओ, चेंज कर लो। हर बार क्यों समझाना पड़ रहा है तुम्हें कि इस्लाम पर्दा करने की तालीम क्यों देता है? बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? सोल्यूशन निकाला ना तुमने? जिस उसे डर लगता है तो तुमने गार्ड बांध दी उसके हिजाब में, वैसे ही कोई तरकीब निकालो जारा, जिससे उसकी आदत भी बन जाए हिजाब पहने की और उसे डर भी ना लगे। ये तो मुन वाली औरत का भाई है। आखिर इसे फोन किसका आ गया जिसे अकेले में जाकर बात करने पड़ रहे? हेलो हेलो, बोलिए। हेलो हेलो भाई साहब, हमने आपको कितनी बार फोन किया लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। अब जब आपने किया तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये घुसुर पुसुर किससे चल रही है मैडम की? देखिए भाई साहब, आपकी बहन के हाथ में जो सोने का कंगन है वो हमारा है। वही कंगन जो आपने अपनी बहन को तोहफे में दिया था, याद है कि नहीं? आप सीधी तरह बताइए कि वो कंगन आपने कहाँ से चुराया था? ये तो देखिए, हम पुलिस को बता देंगे। नहीं नहीं, चुराया उराया नहीं था, हमने वो कंगन एक लाश से निकाला था। वो जो गोमती नदी के किनारे आकर पड़ी हुई थी लाश। देखिए भाई साहब, अगर आप जानते कि वो लाश किसकी थी तो प्लीज हमें बताइए। हाँ, अच्छे से जानते हैं। बताइए वो किसकी लाश थी? नवगढ़ गांव का नाम सुना है? लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर गोमती नदी किनारे है वो गांव। उसी गांव के सरपंच की बेटी की लाश थी वो। सरपंच की बिटिया की लाश? भाई साहब, अब किसी डर के मारे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। डरे तो हम तब थे जब मरने वाली लड़की के लाश से कंगन निकाला था। अगर सरपंच को पता चलता तो वो तो हमें जिंदा काट देता, इसलिए तो हमने वो कंगन बेचा नहीं, अपनी बहन ही को दे दिया। बस कसम खा के कहते हैं, हमें बस इतना ही मालूम है। ठीक है भाई साहब, आप यस मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब संभालेंगे। यस, थैंक यू सो मच। क्या हुआ रुखसार? वो हम स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात हो ही नहीं पाई। अब जब उन्होंने कॉल बैक किया तो बात हुई। वो कह रही थी कि बच्चे बहुत ही होनहार है
और धीरे धीरे स्कूल के माहौल में ढल रहे हैं। आज हम बच्चों के लिए चीकू शेक बनाएंगे, बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। पता नहीं इस कंगन में ऐसा कुछ तो है जिसने हमारे जहन को उलझा के रखा हुआ है। जारा के बारे में कहा जाता है कि उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली थी। उस वक्त जारा के हाथ में जो कंगन था जारा के पास ही होना चाहिए, फिर वो सरपंच की बेटी के पास कैसे पहुंचा? हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए नवरगढ़ के सरपंच से जाके मिलना होगा। भाई, अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। मालूम है, एक सेकंड आप बैठिए आराम से। बाबू आज माफ करना, लेकिन आपके पास सिर्फ दो काम है पूरे दिन में करने के लिए। सबसे पहला काम तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ आराम करना है। दूसरा काम और ज्यादा आराम करना है। उनको मत देखिए आप, क्या सोच रहे? लखनऊ वाली मीटिंग, कशान भाई जान कौन जा रहा है वो लखनऊ वाली मीटिंग में? वो जा रहे, और क्या वो नौगढ़ के सरपंच से मिलना है? वहां कौन जा सकता है? कशान भाई बिजी है, आपकी सेहत खराब है। आपका अगर कोई और अच्छा बेटा होता तो हम जा रहे, आप नहीं। ये सारा काम मर गई। ये तीनों दुनिया के पहले बच्चे हैं जो हमें हंसते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब बताते हैं इन तीनों को और उस सारा को। बच्चे फिसल फिसल कर गिरेंगे और उधर हम तुम्हारी लापरवाही का ढोल पीटेंगे। उसके बाद कबीर तुम्हें इस घर से ऐसे फेंकेगा जैसे फुटबॉल फेंकी जाती है। अभी बच्चे हाथ धोने आएंगे और फिसल फिसल कर गिरेंगे। बच्चों, बच्चों, चलो अब जल्दी से जाकर सबसे पहले अपने हाथ धो, उसके बाद ये पीना। नहीं, सबसे पहले आप सब जाकर अपने हाथ मुंह धोगे, उसके बाद ये पियोगे। हमने सबके लिए चीकू शेक बनाया है। जल्दी से जाके हाथ धो लो, जाओ। अरे ये रूल आपके लिए भी है। चलो चलो जाओ हाथ धो के आओ। शुक्र कीजिए कि सिर्फ सूजन आई है, फ्रैक्चर नहीं हुआ। कबीर अच्छा हुआ बाथरूम में बच्चे नहीं गए, वरना ही मुसीबत उन मासूमों पर आ जाती। नहीं खाला, झारप्पी के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। झारप्पी हमसे पहले बाथरूम में जाती है और चेक करती है कि कहीं स्विच बोर्ड के ऊपर पानी तो नहीं गिरा है और पानी कितना गर्म है। अगर पानी ज्यादा गर्म हो तो वो उसे ठंडा कर देती है। बच्चा हमेशा याद रखना, छोटी छोटी एहतियात बरतने से ना बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं। कबीर साहब ये पेन किलर है, इन्हें दे दीजिएगा। अगर इन्होंने अच्छे से आराम किया तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सुन लिया तुमने ना? कुछ नहीं करना है, चुपचाप आराम करना है। दवा ले लो और उसके बाद लेटी रहना तुम। जी। रुक सर, पानी का ग्लास लेकर आना।
पकड़ो। देख क्या रही हो पियो? हाँ। डॉक्टर साहब हमको छोड़ते। वैसे रुक सर सुनो, हम इलेक्शन के काम में हम बाहर जा रहे हैं और इन्हें तो आराम करना है, तो हिलेंगी नहीं है। बच्चों का ख्याल तुम रखोगी? बेफिक्र होकर जाओ कबीर, हम सबको संभाल लेंगे। बच्चे हमें नागरगढ़ जाना बहुत जरूरी है।